अर्जुन अहम वेद भूतानी। ओ अर्जुन, आई नो ऑल द लिविंग बीइंग्स, समतीतानी च वर्तमानानी, ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, च भविष्याणि, और दोज हु विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। तू कश्चन न वेद माम, बट नो वन नोज मी। अर्जुन अहम वेद भूतानी, समतीतानी च वर्तमानानी, च भविष्याणि, तू कश्चन न वेद माम। इंटरप्रिटेशन। ओ अर्जुन, बिकॉज ऑफ बीइंग अजन्मा, आई सदाशिव, द इनएग्जॉस्टिबल स्टोरहाउस ऑफ नॉलेज, नो ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और दोज हु विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, बिकॉज ऑफ बीइंग द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट वंस, बट नो वन नोज मी। महादेव शंकर, द इनकॉर्पोरियल प्लस कॉर्पोरियल अव्यक्त मूर्ति हीरो। सी चैप्टर 7 श्लोक 25 ऑफ द गीता। मनसस्तु परा बुद्धि पर तस्तु सह। श्लोक 42 चैप्टर 3 ऑफ द गीता। इट मीन्स शिव, द लाइट ऑफ सदा शिव इज इवन बियॉन्ड शंकर, द वन विद द थर्ड आई इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट। जो ज्ञान का अकूट भंडार है, द वन हु इज द इनएग्जॉस्टिबल स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, कौन है? Who is he? है आत्माओं का बाप, द फादर ऑफ द सोल्स, जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, बिकॉज ऑफ बीइंग बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ही इज त्रिकालदर्शी, तीनों काल के सत्य को जानता है, He knows the truth of all the three aspects of time. वो आत्माओं का बाप है, He is the father of the souls. बाप माने वर्षा, The father means the inheritance. तो कौन सा वर्षा देता होगा? So, which inheritance does he give? निराकार आत्माओं का निराकार बाप, तो जरूर निराकार ही ज्ञान का वर्षा देता होगा? He is the incorporeal father of the incorporeal souls. So, he certainly gives the incorporeal inheritance of knowledge. और ज्ञान का वर्षा भी अखूट भंडारी है, तो अखूट भंडार का वर्षा देता होगा या खूटने वाला देता होगा? And the inheritance of knowledge too, when he is the inexhaustible treasurer, would he give the inheritance of inexhaustible storehouse or would he give the one that exhausts? है अखूट भंडारी है तो अखूट ज्ञान का भंडारी अखूट ज्ञान का भंडार देता है। He is the inexhaustible treasurer. So, the treasurer of the inexhaustible knowledge gives the inexhaustible store of knowledge. कोई ले या न ले, whether someone takes it or not. जो लेता है वो इस मनुष्य सृष्टि में उसका उदाहरण दिया जाता है सागर से। The one who takes it, for him, the example of the ocean is given in this human world. सागर की गहराई का किसी को पता है दुनिया में? Does anyone in the world know the depth of the ocean? है? नहीं पता है। They don't. कहेंगे ज्ञान की अकूट गहराई का जानकार। It will be said he is the knower of the fathomless depth of knowledge. कितने भी प्रश्नों की बौछार होती रहे, No matter how many questions are showered upon him, उन सभी प्रश्नों का काट कर देगा। He will answer all of them. अकूट भंडारी हुआ ना? He is the inexhaustible treasurer, isn't he? तो वो निराकार आत्माओं का बाप, जो निराकारी लोक का सदा रहने वाला है, सदाशिव कहा जाता है, वो सदाशिव है, सृष्टि पर जब आता है। So that incorporeal father of the souls, who is always the resident of the incorporeal world, who is called Sadashiv, when that Sadashiv comes to this world, तो विरुद्ध लेता है, मैं तुम बच्चों को नंबर वार आप समान बना करके जाऊंगा। He takes a vow. I will make you children equal to myself number wise and go.
तो कोई बच्चा तो शिव समान 100% निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता होगा ना। सो देर मस्ट बी सम चाइल्ड हु बिकम्स 100% इनकॉर्पोरियल वाइसलेस एंड ईगोलेस लाइक शिव मजन देर। नहीं बनता होगा? बनता है। जो बनता है उसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है। Doesn't he become that? He does. The one who becomes that, his name is always combined with Shiv. क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। What is he called? शिव शंकर भोलेनाथ। तो देखो। So look. साबित हो गया। It is proof. कि शिव इस सृष्टि का सदा कालवासी नहीं है, साकार सृष्टि का। That Shiv isn't the resident of this corporeal world forever. इस सृष्टि का सदा कालवासी वो है आत्मा जो योग बल से अपन को शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना लेती। That soul is the resident of this world forever who makes itself incorporeal, viceless and egoless like Shiv through the power of yog. वो आत्मा निराकारी भी और साकारी भी। That soul is incorporeal as well as corporeal. माने वही आत्मा है जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। It means he is the only soul for whom it is mentioned in the Gita, अव्यक्त मूर्तिना, that is the unmanifest personality. क्या? What? मूर्ति भी है माना साकार भी है और अव्यक्त भी है। He is a personality. It means he is corporeal as well as अव्यक्त। अव्यक्त माने जो आँखों से दिखाई देने योग्य नहीं है माना संपूर्ण आत्मा है। अव्यक्त means the one who isn't worth being visible through the eyes. It means he is a complete soul. आत्मा इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। The soul isn't visible through these eyes. तो उसका यादगार शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। उन शिव के मंदिरों में से जो एकदम सात्विक स्टेज वाला मंदिर था वो कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। सो हिज यादगार इज शोन इन द टेम्पल्स ऑफ शिव। अमंग द टेम्पल्स ऑफ शिव व्हिच वाज द टेम्पल विद द मोस्ट सात्विक स्टेज? द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। उस सोमनाथ मंदिर में वो लिंग भी दिखाया और वो निराकार आत्मा भी हीरे के रूप में दिखाई गई। In that Somnath temple, that ling was shown and that incorporeal soul was shown in the form of a diamond. वो हीरे के रूप में आत्मा हीरो पार्टधारी है। शिव तो सदैव जीरो है। वो कभी हीरो बनता ही नहीं। That soul in the form of a diamond is the hero actor. Shiv is in fact always a zero. He never becomes a hero. वो कहता भी है मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। He also says I neither become worship worthy nor do I become a worshipper. तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया और उस लिंग में हीरा दिखाया गया वो आत्माओं के बाप शिव की यादगार है क्या? So, in the Somnath temple, the shivling that is shown and the diamond that is shown in that ling, is it the yadgar of Shiv, the father of the souls? शिव की यादगार नहीं है क्योंकि शिव ने तो स्पष्ट बोल दिया ब्रह्मा की मुख से क्या? It isn't the yadgar of Shiv. It is because Shiv has clearly said this through the mouth of Brahma. What? क्या बोल दिया? What did he say? मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। I neither become worship worthy nor do I become a worshipper. तो जो शिवलिंग जो पूजा जाता है और सोमनाथ मंदिर में जिसकी राजा विक्रमादित्य ने पूजा की थी वो पूज्य शिव बाप है। So, the shivling that is worshipped
and the one that King Vikramaditya worshipped in the Somnath temple is the father Shiv, that worship worthy one? या कोई और आत्मा है? Or is it some other soul? शिव बाप तो पूज्य बनता ही नहीं. The father Shiv doesn't become worship worthy at all. तो जिसको पूज्य बनाता है वो साकार, वो पूज्य बनता है और पुजारी भी बनता है. So, the one whom he makes worship worthy, he is the corporeal one. He becomes worship worthy as well as a worshipper. इतने मंदिर हैं भारतवर्ष में. There are so many temples in the land of Bharat. दुनिया में भी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं. The idols of ling are found the most in the excavations in the world too. ऐसा भी इस दुनिया में माहौल बन जाएगा कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस साकार में निराकार बिंदु को देखेंगे. Such atmosphere will also be created in this world that the human beings of the entire world will see the incorporeal point in that corporeal one. जो गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना. It has been mentioned in the Gita, अव्यक्त मूर्तिना. उस लिंग रूप को ही कहा है, वो अव्यक्त मूर्ति है. मूर्ति माने मूर्त है या अमूर्त है? It is in the ling form that has been described. It is the unmanifest personality. Personality means, is it an idol or is it formless? मूरत तो है, लेकिन उसमें हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए. It is certainly an idol, but it isn't shown with hands, legs, nose, eyes and ears. दिखाई देते हैं? चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया. Are they visible? Students, no. The artist has made such picture. क्या first class चित्रकारी बनाई? What a first class picture he has made. क्या भाव भंगिमा बढ़ी हुई है उस शिवलिंग में जो सारी दुनिया आश्चर्यचकित है. ये भारतवासी ये क्या पूजा करते हैं? ये कौन है? That shivling is full of what feelings and intentions that the entire world is surprised. What do the Bharatvasis worship? Who is he? न भारतवासियों को पता, न विदेशियों को पता. Neither the Bharatvasis nor the foreigners know it. किसी को पता है? ये लिंग क्या है? क्यों पूजा जाता है? Does anyone know what the ling is? Why it is worshipped? वो पाठधारी है, परंतु इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चारों सीन में उसे कोई पहचान नहीं पाता. He is the hero actor, but no one is able to recognize him in all the four scenes on this stage-like world. क्या? What? जैसे ड्रामा का डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाता है. Just like the director of the drama plays part behind the curtain. ऐसे ही उस डायरेक्टर का बच्चा भी क्या करता है? Similarly, what does even his son do? है? इस पर्दे में छुपा रहता है. He remains hidden behind the curtain. और वो परम पार्टधारी, मुख्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी इस दुनिया में पार्ट भी बजाता रहता है तो भी उसको कोई पहचान नहीं पाता. And even though that supreme actor, the main actor, the hero actor keeps playing his part in this world, no one is able to recognize him. वो मत देता है. He gives directions. क्या? What? मत माने अकल. Direction means wisdom. बुद्धि देता है. He gives intellect. क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक वो ही आत्मा है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है. It is because he is the only soul on the stage-like world who is the intellect of the intelligent ones. सर्वोत्तम बुद्धिमान आत्मा. He is the most intelligent soul of all. जैसा गीता में लिखा है. For example, it is written in the Gita. इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं.
द इंद्रियां आर वेरी पावरफुल. इंद्रियों से मन प्रबल है. द माइंड इज मोर पावरफुल देन द इंद्रियां. और मन से मनुष्यों की बुद्धि प्रबल है. एंड द इंटेलेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज मोर पावरफुल देन द माइंड. और मनुष्यों में भी कोई एक मनुष्य है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, जो बहुत प्रबल है. एंड इवन अमंग द ह्यूमन बींग्स देयर इज वन ह्यूमन बींग द सीड ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड हु इज वेरी पावरफुल. त्रिनेत्री कहा जाता है. He is called Trinetri, that is the third eye one. वो चित्र देखा है त्रिनेत्री का? Have you seen any picture of Trinetri? है? कौन सा चित्र देखा? शंकर का चित्र देखा. Which picture have you seen? You have seen the picture of Shankar. भारतीय परंपरा के शास्त्रों में त्रिनेत्री के नाम से शंकर प्रसिद्ध है. In the scriptures of the Indian tradition, Shankar is famous with the name Trinetri. और उसका जो तीसरा नेत्र है, वो बुद्धि का नेत्र कहा जाता है. And his third eye is called the eye of the intellect. जिसके लिए कहा गीता में कि मन से भी प्रबल वो त्रिनेत्री बुद्धि है. For which it is said in the Gita that Trinetri intellect is more powerful than the mind. और फिर बताया, देन इट हैज बीन सेड, यो बुद्ध्य परसस्तु सह. यो बुद्ध्य परसस्तु सह, जो उस बुद्धिमान से भी परे ते परे है वो है. मीन्स द वन हु इज इवन बियॉन्ड दैट इंटेलिजेंट वन, ही इज दैट वन. तो साबित हो जाता है. सो इट इज प्रूव कि बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? Who the intellect of the intelligent ones is? कोई नीचे वाला है या कोई ऊपर है? Is he someone below or above? कोई है. There is someone above. इसलिए है कि वो त्रिकालदर्शी. He is there because he is त्रिकालदर्शी. तीनों काल के सत्य का ज्ञाता है. He is the knower of the truth of all the three aspects of time. इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं. दिस इज वाई ही इज कॉल्ड सत्यम शिवम सुंदरम, दैट इज ट्रू बेनिफिशियल एंड ब्यूटिफुल. अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज वन. द क्रिश्चियंस से गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज वन. वो एक ही है. ही इज द वन अलोन. ओम शांति.